गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 3 क्लास 7 एंड सब्जेक्ट इज कंप्यूटर। दिस चैप्टर इज एडिटिंग इन GIMP। दिस चैप्टर हैज़ सम इम्पोर्टेंस एंड वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल्स। सो इन दिस चैप्टर वी आर डूइंग सम प्रैक्टिकल्स। ओके, सबसे पहले इसमें हम कैसे क्रिएट करते हैं ड्राइंग उसको देखेंगे। यहाँ पे फाइल मेनू आपको दिख रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट का सारा चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। एक डॉक्यूमेंट आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसमें हम क्या करना चाहें, कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप या अराउंड कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम कोई पेन सेलेक्ट कर लें, ठीक है, तो टूल्स मेनू में जाके हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पेन टूल्स है, बकेट फिल्ड है, पेंट ब्रश या पेंसिल ले लेंगे, ठीक है, पेंट ब्रश ले लेते हैं, ठीक है, और कोई भी स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। क्रिएटिंग बेसिक शेप, अब बेसिक शेप्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर फिर टूल्स मेनू में जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्शन टूल्स है, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करेंगे तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स आ जाएगा, ठीक है, और इसमें हम जैसा कलर चाहें वैसा सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर जो भी लेना चाहें, जैसे हम ग्रीन लेना चाहते हैं, जिस तरह का भी लेना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें हम उसको उस तरह हिसाब से इसको फिल कर सकते हैं, और फोरग्राउंड बैकग्राउंड देख के हमको फिल कर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग फोरग्राउंड को हम लोग इसमें फिल करना चाहते हैं तो हम लोग इसको फोरग्राउंड को फिल कर देंगे। जैसा भी हम चाहें, इसमें टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, ठीक है, कुछ भी टाइप करना चाहें कुछ भी हम लोग टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा टाइप हो गया, ठीक है, ये 6-7 लेटर टाइप हो गए, ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं, जैसे इससे हम लोग साइज़ घटा रहे हैं, इससे साइज़ को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं, चेंजिंग साइज एंड इमेज। आगे देखते हैं हम लोग चेंजिंग क्रॉप इन इमेज। अब जैसे मान लीजिए ये क्रॉप कर दिया हमने, अब कोई इमेज लेते हैं हम जिसको हम लोग क्रॉप कर सके, ठीक है। अब कोई इमेज ले लिया हमने, जैसे यहाँ से मैंने एक इमेज ले लिया, कोई भी इमेज ले लिया हमने न्यू फाइल के साथ। अगर मान लीजिए हमने एक इमेज को ड्रॉ कर दिया, जैसे ये इमेज हो गया, ठीक है, अब एक इमेज ले लिया हमने, इसमें हमने कुछ भी ड्रॉ कर दिया, जैसे हम चाहते हैं कुछ ड्रॉ करना तो ड्रॉ कर देंगे हम, कोई भी चीज़ इसमें हम लोग ड्रॉ करके इसको एडजस्ट कर देंगे अपने हिसाब से, इसमें ड्रॉ करके हम लोग क्रॉप कर सकते हैं। जैसे ये ड्रॉ है ऑलरेडी, हम इसको चाहते हैं क्रॉप करना, तो क्रॉप करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग इमेज में जाएंगे, टूल्स मेनू को सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म टूल्स में जाएंगे, ठीक है, यहाँ ट्रांसफॉर्म टूल्स दिख रहा होगा आपको और यहाँ पे क्रॉप दिख रहा होगा, क्रॉप कर देंगे, यहाँ से क्रॉप हो जाएगा। अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये फ़ोटो क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। तो क्रॉप करने के लिए सेलेक्ट एरिया हम लोग सेलेक्ट कर दिए, अब यहाँ पे क्रॉप इमेज हो जाएगा, इतना दूर का एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। अब हम इसे सेव कर देंगे, यहाँ से सेव कर देंगे तो ये क्या होगा, इमेज क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, समझ गए। तो इतनी चीज़ें थी। अब हम जैसे इमेज को फ्लिप करना चाहते हैं तो फ्लिप भी कर सकते हैं, तो क्या करना है, ट्रांसफॉर्म टूल्स में फिर हमें जाना पड़ेगा, टूल्स में, ट्रांसफॉर्म टूल्स में फ्लिप इमेज करना है, फ्लिप, तो इमेज को हम फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है, जैसा चाहें वैसा फ्लिप कर सकते हैं। देखिए इमेज फ्लिप हो रहा है, उल्टा हो रहा है, सीधा हो रहा है, तो इस तरह से हम इन सारे ऑप्शंस को कर सकते हैं। होप आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे मेरी बातों को और इसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे आप करके देखेंगे, ठीक है, सारे स्टेप्स को फॉलो करके, मैंने ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आपको दिखाए हैं और आप उन सारी चीज़ों को करके देखेंगे, सारे ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। थैंक यू।